नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हाई स्पीड में। बात करें कर्जा माफी को लेकर। आपको बता दें कि फसल ऋण माफी योजना का फॉर्म भरते समय रखें इन बातों का ध्यान। जानेंगे पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव SR मोहंती ने सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा करते हुए निर्देश जारी किया है कि फसल ऋण माफी योजना के आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी की स्थिति में अनिवार्यता उपलब्ध हो जाए, मतलब आज से उपलब्ध हो जाएंगे। किसानों को फॉर्म मिलने के बाद उन्हें कंप्यूटर में दर्ज करने का कार्य भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था सामने न आए। इस दौरान मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में आधार शीडिंग और हरे सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों और 3 रिपोर्ट फॉर्मेट के संबंध में भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को लेकर मोहंती ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के सभी सभायुक्तों तथा कलेक्टर्स से योजना क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। मुख्य सचिव ने दूर दराज के जिलों डंडोरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, श्योपुर कला के कलेक्टरों से योजना को क्रियान्वयन के बारे में विशेष रूप से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण प्रदेश में 15 जनवरी 2019 से योजना का क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। फसल ऋण माफी योजना का ये है पूरा प्रोसेस। 15 जनवरी को किसानों के लिए आवेदन फॉर्म वितरित किए जाएंगे, मतलब आज से। किसान हिंदी में आवेदन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत में जमा करवाने होंगे। ग्राम वाइज तथा शाखावार प्राप्त होने वाले आवेदनों को कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। इसके बाद आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सूचियों में कृषकों के नाम हिंदी में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। किसानों से प्राप्त आवेदनों को 3 फॉर्मेट, हरे, सफेद तथा गुलाबी रंग के बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉक्टर राजेश राजौरा ने योजना को क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 बैंकों की 7,500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। प्रतिदिन ग्राम वाइज तथा शाखावार प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को आज 15 जनवरी से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको हरे रंग का फॉर्म, सफेद रंग का फॉर्म और गुलाबी रंग के 3 रंग के फॉर्म मिलेंगे। तो आपको बता दें कि जिनके आधार लिंक हैं उनको हरे रंग का फॉर्म भरना है, जिनके आधार लिंक नहीं है उनको सफेद रंग का फॉर्म भरना है, और जिनके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको गुलाबी रंग का फॉर्म है वो भरना है। और 15 जनवरी से ये फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे ग्राम पंचायत स्तर पर और बैंकों के अंदर, और बैंकों के अंदर सूचियां भी लगा दी जाएगी। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 17 बैंकों की 7,500 शाखाओं के माध्यम से इस योजना को है वो सुचारू किया गया है। तो मध्य प्रदेश वाले आज 15 जनवरी से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी कर्जा माफी को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।